कहाँ कहाँ तक दिख रहा है अब वो देखना पड़ेगा, पहले तो मैंने लिख दिया। कल क्या पढ़ रहे थे अपन, जल्दी से बता दो। अभी तो वो चैप्टर चल रहा है ना, अभी कौन सा चल रहा है? ऐसा क्या करते हो यार, अभी तो वही चल रहा है, वे ऑप्टिक्स। जहाँ थे अपन वही है, वे ऑप्टिक्स में। और जो अभी स्टार्ट किया था इससे पहले, कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम का ग्राफ। मैक्सिमम का ग्राफ हो गया था, मैक्सिमम का हो गया था, तो एंगुलर विड्थ वगैरह फाइंड करेंगे ना, फिर न्यूमेरिकल डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन में मैक्सिमम मिनिमम तक पहुंच गए थे। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, टॉपिक डालो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। कहाँ तक दिख रहा है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम? ठीक है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम की बात करेंगे। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे? अपन ने कल ग्राफ देखा था बेटा, आपने जो कल ग्राफ पढ़ा था उस ग्राफ में बात करें तो अपने पास जो मैक्सिमम वाली कंडीशन आई थी वो सेंटर वाली ही थी। उसके बाद में ग्राफ की जो विड्थ थी वो रेगुलर डिक्रीज होती गई थी, यही हुआ था। ब्लर गए सही तो इसकी ना। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन ने जो बात की थी वेट निकाल लेंगे। तो वेट के लिए सेंट्रल वाली क्या निकाल रहे हैं अपन? सेंट्रल वाली को मैं हॉरिजॉन्टल बनाऊँ या वर्टिकल? वर्टिकल ही बना दो, ऐसा करो। यही थी सेंटर वाली, क्या थी? मैक्सिमम थी। अब पढ़ लेना चुपचाप, जिससे पहले वाले बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे ध्यान रखो बेटा, अपन वापस कहाँ से लेके चलते हैं? मिनिमम डिस्टेंस विजन डी, या तो इसको ओरिजोनटल बना लो या वर्टिकल बना लो, दोनों। वो इससे पहले वाला मैंने ओरिजोनटल बनाया था, डी डिस्टेंस। अपन को निकालनी है विड्थ, तो डायरेक्ट विड्थ ऐसे नहीं निकाल सकते। उसके लिए अपन क्या करें, यहाँ से हाफ निकाल लें सेंटर तक, फिर उसको जस्ट डबल कर दें तो टोटल आ जाएगी अपने पास। अरे टोटल होगी नहीं होगी, यहाँ पे एंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है, मान लो थीटा वन। थीटा वन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अलग अलग के लिए अलग अलग। अरे यार ग्राफ नीचे चला गया। ठीक है ठीक है, थोड़ा साइड में बनाना है सर, आउट ऑफ फ्रेम। ठीक है, मेरे को भी दिख गया आउट ऑफ फ्रेम है, इधर बनाता हूँ मैं। हॉरिजॉन्टल बना दूँ ताकि फटाफट ही काम खत्म? कैसे ही बना लो, वर्टिकल बना लो, हॉरिजॉन्टल बना लो। ये सेंटर, सॉरी, क्लास कब स्टार्ट हुई? टाइमिंग 15 मिनट पहले हो गया इसका, टाइम भी देखा करो। देखो अब फटाफट यहाँ पे आ जाओ, पी ये क्यू, ठीक है, या इसको पी क्यू आर ऐसे नाम दे दो, और फटाफट इसको सॉल्व कर लो। बच्चे कितने आ गए फटाफट यार, एक तो बच्चे ही नहीं आए, 39 ही आए अभी तक, जल्दी के चक्कर में तो नहीं आ गए हो? बच्चे थे ना यहाँ पे। पढ़ाई करें अपन तो स्टार्ट कर देते हैं, वो छाप लेंगे फिर। क्लास का टाइम 5 बजे ही पता था बेटा, क्लास आज थोड़ी जल्दी हो गई है। हाँ दो क्लास होगी ना, एक इससे पहले हो गई, रेजो नाइट आ गया वापस। क्लास का टाइम या 4:45, 4:45 है बेटा, क्लास का टाइम 4:45 हो चुका है। ठीक है, अभी आया था मैंने, पहचाना नहीं, आया होगा तो आया होगा यार।
अब तक जो हुआ उसके लिए कितने लाइन छोड़े हैं? कुछ भी नहीं हुआ, वही 615 तक चलेगी। नहीं पढ़ा है, यही टॉपिक है। पहले का छूट गया, पहले का कौन सा वाला छूट गया? यहीं से तो स्टार्ट किया है मैंने, कल ग्राफ बनाया था, ग्राफ के बाद में यही स्टार्ट कर रहा हूँ, वेट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, बोर्ड पे लगेगी क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है बेटा। टेप पे मैं कैसे वो पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन? कोई बच्चे ऑफलाइन भी आ गए तो अभी इससे पहले वाले बैच में बहुत सारे ऑफलाइन थे, तो टेप पे कैसे पढ़ेंगे? इसलिए दोनों यहीं चलेगी। ठीक है, पढ़ाना स्टार्ट करें। आ गए कितने? आ गए यार, ये 5 बजे के चक्कर में तो नहीं है बहुत सारे? वही वेट कर रहा हूँ मैं भी, 45 तो हो गए। और बढ़ जाओ जल्दी से, जिसको भी आना है। 46 विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे थे। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की बात करेंगे तो अपने पास विड्थ निकालनी थी सेंट्रल मैक्सिमा, कल वाला ग्राफ देखो, और उस कल वाले ग्राफ में बात करें अपने पास सेंट्रल मैक्सिमा की, तो सेंट्रल मैक्सिमा जो था वही सबसे हाईएस्ट थी उसकी, फिर उसके बाद उसकी विड्थ। तो मैंने नोट डाल के भी लिखाया था कल कि उसकी विड्थ रेगुलर डिक्रीज होती है, बोला था बेटा। तो ये एंगल θ1 PQ, अपन क्या करेंगे टोटल एक साथ नहीं निकाल सकते थे, तो अपन ने क्या किया, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको जस्ट डबल कर देंगे तो वो टोटल वेट आ जाएगी। आ सकती या नहीं आ सकती? आ सकती है ना? अरे आ जाएगी। तो ऐसे ही इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लिख लो फटाफट ट्रायंगल में वेट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ट्रायंगल लेंथते जाए, स्टार्ट करते जाए, इसके डिस्टेंस डी इन ट्रायंगल, इसको ओ नाम दे दो, ओ पी ओ क्यू इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। इस पी ओ क्यू में बात करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये निकालना है, ये थीटा है और ये गिवन है, तो क्या लें, टेन थीटा वन, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन ओ क्यू, यही होगा पी क्यू अपॉन ओ क्यू। अब थीटा स्मॉल एंगल लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ थीटा वन इज वेरी स्मॉल एंगल देन टेन थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा वन इज अप्रोक्सीमेटली थीटा वन, तो थीटा वन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, पी क्यू अपॉन ओ क्यू, यही आई बेटा पी क्यू अपॉन ओ क्यू। वैल्यू लिख दो इसकी, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लें कुछ, ये डिस्टेंस है अपने पास एक्स, तो 2x टोटल वेट तो होगी है ना, तो ये कितना हो गया, थीटा वन इक्वल टू पी क्यू एक्स अपॉन ओ क्यू डी, यही आई। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये दोनों किसकी कंडीशन है, यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा है ना, इस सेंटर से इधर गए तो ये भी फर्स्ट मिनिमा, ये भी फर्स्ट मिनिमा है, नहीं है, है? तो यूजिंग कंडीशंस फॉर फर्स्ट मिनिमा क्या आएगी, यूजिंग कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमम। अब फर्स्ट मिनिमम के लिए क्या आया था फॉर्मूला, यहाँ पे याद रखने के लिए मैंने आपसे बोला था कि वहां का मैक्सिमम यहाँ का मिनिमम होगा, तो वहां पे मैक्सिमम कितनी वैल्यू थी भाई, याद रखने के लिए एन लेमडा, एन की वैल्यू 1 हो गई भाई, यहाँ पे आई थी अपने पास ए साइन थीटा 1 इक्वल टू एन लेमडा, और एन की वैल्यू फर्स्ट मिनिमा है तो कितना हो गया एन इक्वल टू 1, तो केवल लेमडा ही टर्म्स रिमेनिंग हुई, ठीक है, और थीटा वेरी स्मॉल था तो यहाँ पे भी स्मॉल, इफ थीटा 1 इज, उधर दिख तो रहा है ना, कहां तक दिख रहा है, दिख रहा है वेरी
स्मॉल देन साइन थीटा वन इज अप्रोक्सीमेटली थीटा वन. तो कितनी आ गई वैल्यू, ए थीटा वन इक्वल्स टू लैम्डा, थीटा वन इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए, इक्वेशन नंबर टू. बाई इक्वेशन वन एंड टू, थीटा वन एंड थीटा टू इक्वल कर सकते हैं. बाई इक्वेशन वन एंड टू तो कितना होगी, कितनी हो गई वैल्यू, एक्स बाई डी लैम्डा अपॉन ए. एक्स फाइंड करना है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा डी अपॉन ए. यही हुई ना वैल्यू, लैम्डा डी अपॉन ए. ये एक्स फाइंड हुई है. अपन को विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है तो क्या करें इसके लिए, अरे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या करें, टू से मल्टीप्लाई एंड टू से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये डबल हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक एक्स है तो टोटल लोगे तो कितनी हो जाएगी, टू एक्स. तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मैं डायग्राम मिटार दूं क्योंकि उधर से मेरी, अरे डायग्राम को रफ कर दूं. ब्रेवेस्टर एंगल क्या होता है, अरे यार ब्रेवेस्टर एंगल पे अभी क्यों चले गए, वो पोलराइजेशन की बात है, अभी अपन डिफ्रेक्शन पढ़ रहे हैं. ब्रेवेस्टर एंगल पे क्यों जा रहा है लोयन किंग. जल्दी ये मिटा दूं क्या बेटा, मेरे को आगे लिखना है, इसको रफ कर दें. ठीक है, तो क्या करें, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए उस फॉर्मूले को टू से मल्टीप्लाई कर दें. देख रहे हैं यहां तक, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कितना आएगा, टू एक्स इक्वल टू टू लैम्डा डी अपॉन ए. यस, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है, और इसी फॉर्मूले को कभी कभी फोकल लेंथ दी हुई होती है तो क्या होता है, ध्यान रखना इस डी की जगह पे, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस विजन है, इसकी जगह जब फोकल लेंथ दी हुई हो तो डायरेक्ट फोकल लेंथ भी यूज ले सकते हैं. वी यूज फोकल लेंथ एफ इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ डी, डे की जगह ऑफ मिरर. मिरर मतलब क्या लिख रहे हो बेटा, ऑफ मिरर, ऑफ मिरर लेंस, सर कब कटे आए, क्या लिख रहे हो बेटा मेरे समझ में नहीं आया. जब गिवन हो तो ये 2x इक्वल टू कितना हो गया, 2 लैम्डा f अपॉन a. ये भी फॉर्मूला यूज होता है, लिख लें फटाफट. लेट हो गया, एक बार समझाना है, लेट मत हो बेटा. अब मैंने डायग्राम मिटा दिया, अब किससे समझाऊं मैं, ऑफलाइन में जितने थे इससे पहले थे, अभी थोड़ी देर पहले, अभी तो बच्चे हैं केवल. कब करते हैं, दिया हो बेटा वो एफ की जगह डी, जब नॉर्मल कंडीशन, जब बहुत ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है उसकी, फोकस पे, उस कंडीशन में. और फोकस की आप तो ये ध्यान रखो, जब डी नहीं दिया हो तो एफ यूज, एफ दिया हो कहीं तो एफ यूज लोगे. ठीक है, उनके कॉपी के नोट्स मतलब
इसको समझाओ बेटा, डायग्राम बन हटा दिया मैंने। वेट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें तो फटाफट समझ लो, वेट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब जो अपन ने कल ग्राफ देखो उसकी वेट जो सेंटर में है उसकी हाईएस्ट थी, उसके बाद में उसकी वेट डिक्रीज होती हुई आई थी। मैंने नीचे एक लाइन भी लिखाई थी आपको, जब वो वेट रेगुलर डिक्रीज हो रही है तो उस केस में जो सेंटर वाली है उसमें अपन ने एक ग्राफ बनाया, उसमें डी डिस्टेंस ली थी टेन थीटा वन पी क्यू अपन ओ क्यू। टेन थीटा ये स्मॉल है, ये तो आराम से समझ में आ ही रहा है कि अब वो डायग्राम के बिना कैसे समझोगे। ठीक है, यहां तक ये आ गई। ये किस किस पे डिपेंड करेगी जल्दी से पहली बोल दो। 2x वेट किस किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो फोकल लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, लिखते चले 2x सेंट्रल मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन दी, लिख लो हैंस सेंट्रल मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन दी फर्स्ट किसके डिपेंड कर रही है? 2x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसकी है? फोकल लेंथ किसकी? लेंस यूजली आता ना इसमें, लेंस की तो होगी। टू एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। आगे बढ़ो, एक ए के साथ टू एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए यानी कि वेट ऑफ द स्लिट्स जो है उसके। बेटा कल वाला जो ग्राफ था मैंने एक नीचे लाइन लिखाई थी आपको, कल वाले ग्राफ में वो डिक्रीज नहीं हो रही है, मैंने लिखाया था एक लाइन नीचे, वो पता नहीं लग रही उस ग्राफ में लेकिन डिक्रीज होती है। डी और एफ समझ में नहीं आया? अरे डी जब न्यूमेरिकल वगैरह में डी जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ हो इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ, वो लाइन कहाँ पे आके मीट होगी फोकस पे, तो वो मिनिमम विजन डिस्टेंस एफ न्यूमेरिकल में यूज होगा। वैसे न्यूमेरिकल में जहाँ पे फोकस की जगह मिनिमम विजन डिस्टेंस ना दी हुई हो उसकी जगह फोकल लेंथ दी हुई हो तो वो वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम की बात करें तो लैम्डा अपॉन म्यू होता है, इससे पहले ही बात कर चुके थे। थर्ड फॉर मीडियम, और मीडियम के साथ क्या होता है? लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि पहले वाले लैम्डा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2x टू लैम्डा एफ अपॉन म्यू ए। ये मीडियम के लिए, ये मीडियम के लिए फॉर्मूला होगा, ठीक है। मीडियम के लिए म्यू नीचे आ जाएगा जिसका भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी तो वेट भी उतनी ही कम होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंडीशन से आएगा? अरे यार याद रख लो ना, ये वेट है क्या, कल बात करी थी ना वेट की, जो ग्राफ आया था उस ग्राफ में वेट लेट आ रहे हो और फिर मेरे से पूछ रहे हो वेट है क्या। सेंट्रल मैक्सिमा की जो वेट थी कल ग्राफ बनाया था, ये सेंट्रल मैक्सिमा आया था, इसके बाद ये डिक्रीज हो रही थी लेकिन वो ग्राफ में पता नहीं लग रही थी। यहाँ पे एक नीचे ऐसे ग्राफ बनाते हैं फिर उसके लिए ऐसे कम करते जाते हैं उसकी डिस्टेंस को, ऐसे सेंटर वाली ज्यादा होती है फिर उसकी कम फिर कम फिर कम फिर कम, बातें ऐसे करते हुए। अब टॉपिक डालो डिफरेंस बिटवीन, देखो बोर्ड में या तो इंटरफेरेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा या फिर डिफ्रेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और दोनों ही नहीं हुए तो फिर एक
3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। ठीक है, तो लिखो टॉपिक, टॉपिक लिखो डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन, और एक साइड लिख लो इंटरफेरेंस और एक साइड लिख लो डिफ्रेक्शन। इधर टेबल बना लो इसे, इंटरफेरेंस एक साइड, इंटरफेरेंस और एक साइड डिफ्रेक्शन। ठीक है, आउट ऑफ लिमिट नहीं है। इंटरफेरेंस में फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं, अब थियोरिटिकल है, लिखते चलें फटाफट फटाफट, और वही पॉइंट लिखेंगे जो आप पहले थे। गेट टायर्ड टू टॉकिंग टू क्लास कंटिन्यूअसली, क्या हो गया? लिखो फटाफट। फर्स्ट पॉइंट, इंटरफेरेंस प्रोड्यूसेस ड्यू टू, फर्स्ट पॉइंट इंटरफेरेंस में है ना, इंटरफेरेंस प्रोड्यूसेस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ कोहरेंट लाइट, सुपरपोजिशन ऑफ कोहरेंट लाइट। फिर लिखो डिफ्रेक्शन में फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट डिफ्रेक्शन में, डिफ्रेक्शन प्रोड्यूसेस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव्स विच प्रोड्यूसेस आफ्टर बेंडिंग, सेकेंडरी वेव्स विच प्रोड्यूसेस आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, वो क्या होगी? आफ्टर बेंडिंग सेकेंडरी वेव्स क्यों दिया? क्योंकि वो लाइट कहाँ पे, जो ऑब्स्टकल्स था उस कॉर्नर्स पे जाके वापस वेव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इसलिए उसको सेकेंडरी नाम देते हैं। एक तो सोर्स से निकलेगी तो प्राइमरी, फिर ऑब्स्टकल के कॉर्नर्स पे आके भाई वेव फॉर्म होगी तो उसको क्या नाम देंगे? सेकेंडरी। सेकेंड पॉइंट लिखो इंटरफेरेंस में, सेकेंड पॉइंट, इन द इंटरफेरेंस, इन द इंटरफेरेंस लाइट यूज्ड विद सेम फ्रीक्वेंसी, लाइट यूज्ड विद सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्स्टेंट फेज, सेम फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्स्टेंट फेज। ठीक है, दोनों सेम होंगे। और डिफ्रेक्शन में लिखो सेकेंड पॉइंट, इन द डिफ्रेक्शन, इन द डिफ्रेक्शन इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट लाइट्स हैव, दैट लाइट्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन कॉन्स्टेंट फेज,
सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन कॉन्स्टेंट फेज, ठीक है भाई। इसके लिए कोई नेसेसरी नहीं था कि वो सेम फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट फेज में हो। थर्ड पॉइंट इंटरफेरेंस में, थर्ड पॉइंट इन द इंटरफेरेंस, इन द इंटरफेरेंस डार्क फ्रिंजेस आर, डार्क फ्रिंजेस आर कंप्लीटली ब्लैक, कंप्लीटली ब्लैक विद सेम इंटेंसिटी, विद सेम इंटेंसिटी थर्ड पॉइंट इन द डिफ्रैक्शन, इन द डिफ्रैक्शन मिनिमा डज नॉट कंप्लीटली ब्लैक, मिनिमा डज नॉट कंप्लीटली ब्लैक, अरे BLACK ही नहीं बोल रहा मैं, ब्लैक बोल रहा हूँ, BLACK, ब्लैक एंड ऑल मिनिमा, एंड ऑल मिनिमा हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज, हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज। फोर्थ पॉइंट इन द इंटरफेरेंस, इन द इंटरफेरेंस ऑल फ्रिंजेस हैविंग, ऑल फ्रिंजेस हैविंग सेम विड्थ, ऑल फ्रिंजेस हैविंग सेम विड्थ इंटरफेरेंस में सबकी विड्थ तो सेम थी। डिफ्रैक्शन में लिखो फोर्थ पॉइंट, इन द डिफ्रैक्शन, इन द डिफ्रैक्शन ऑल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ऑल मैक्सिमा एंड मिनिमा have different width, have different width। Next, fifth point, the position of bright fringes, the position of bright fringes are occurs, are occurs for path difference, are occurs for path difference lambda, भाई पाथ यहाँ किसकी बात कर रहे हैं अपन, ब्राइट की बात कर रहे हैं ना, तो ब्राइट में इंटरफेरेंस में कब कब आया था, पाथ डिफरेंस लेमडा कोमा टू लेमडा कोमा थ्री लेमडा डेस 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 कर दो, और उसमें लिखो डिफ्रेक्शन में, ये वाला पॉइंट वापस रिपीट कर दूं, द पोजीशन ऑफ, मैं रिपीट कर रहा हूं भाई इंटरफेरेंस में रिपीट कर रहा हूं है ना, द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आर अकर्स, आर अकर्स फॉर पाथ डिफरेंस, फॉर पाथ डिफरेंस
लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा कॉमा 3 लैम्डा। ठीक है, और उसमें लिखो अब इंटरफेरेंस में, मैक्सिमा अकर्स फॉर पाथ डिफरेंस, मैक्सिमा अकर्स फॉर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 कॉमा 7 लैम्डा बाई 2। डैश डैश डैश। अब लिखो इंटरफेरेंस में, डार्क फ्रिंजेस फॉर पाथ डिफरेंस, डार्क फ्रिंजेस फॉर पाथ डिफरेंस इंटरफेरेंस में है ना, λ/2 कॉमा 3 λ/2 कॉमा 5 λ/2 और उसमें लिखो डिफ्रेक्शन में, मिनिमा अकर्स फॉर पाथ डिफरेंस, मिनिमा फॉर अकर्स फॉर पाथ डिफरेंस लैम्डा कॉमा 2 λ, 3 λ, डैश 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 डैश। ठीक है, फिर टॉपिक लिखो वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, और उसी का नाम है फ्रेस्नेल डिस्टेंस। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, रे वेव नहीं, रे, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, और इसी को नाम देते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। फ्रेस्नेल डिस्टेंस। अब फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या होती है उसकी बात करें तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस के लिए भाई जेड एफ से लिखेंगे इस डिस्टेंस को, किससे लिखेंगे, जेड एफ। एक बार स्टेटमेंट लिखो ताकि फिर उस लैंग्वेज को जो है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज होने का मतलब क्या है, जो जेड एफ है वो कब होगी, जेड एफ डी के इक्वल होगी, डी का मतलब जो मैं लिखाऊंगा वो ध्यान रखना, जेड एफ इक्वल टू डी, अभी लिखना नहीं है आपको, डी डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स, यही था ना बेटा, डी का मतलब डिस्टेंस एंड स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स इज नोन एज फ्रेस्नेल डिस्टेंस, बट उसकी कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू एक्स हो, और ए का मतलब व्हाट डू यू मीन अबाउट द ए, ए क्या है, स्लेट की डिस्टेंस वो किसके इक्वल हो जाए, हाफ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि एक्स था वो 2x होता तो उसकी बात अलग है। ठीक है, तो लिखो पहले डेफिनेशंस, पहले डेफिनेशन इसका वो लैंग्वेज लिख लो फिर इसको समझा दूंगा। द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन
द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट for which the half width of central maxima is equal to width of slit. Width of slit is known as Fresnel distance. Repeat. कर रहा हूँ repeat. सुन लो. जिसका छूट गया वो सुन ले. The distance of screen from the slit. The distance of screen from the slit for which the half width of central maxima is equal to half of central maxima is equal to width of slit is known as Fresnel distance. देखो अब समझ में आ गया होगा. ब्रैकेट में ये लिख लें आपके कि ये जेड एफ डी के इक्वल होगा कब, जब ए एक्स के इक्वल हो और एक्स क्या है हाफ ऑफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है. 2x थी टोटल विड्थ तो ठीक है. इग्नोर कर रहे होगा तो तू पूछ ही ऐसे रहे लोयन किंग. एटॉमिक कब चालू होगा, तो एटॉमिक कब पहले ये खत्म होगा, उसके बाद ड्यूल नेचर स्टार्ट होगा, फिर ड्यूल नेचर के बाद एटम स्टार्ट होगा, फिर एटम के बाद में न्यूक्लियर आएगा, फिर सेमीकंडक्टर आएगा. ठीक है. हाँ बार बार ही वही एक लाइन, एटॉमिक कब स्टार्ट होगा. और इसके बाद में लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, It is the distance from the slit. Is equal to x क्या है? अरे a a a है. a का मतलब width of the slit था यहाँ पे. देखो उसमें width a ही लिखी थी diffraction में. अपने लिखा यही ना कि ये इसके इक्वल होगा, तो जो डिस्टेंस है स्लिट और स्क्रीन के बीच में उसी को जेड एफ नेम देंगे. लैंग्वेज पढ़ो तो सही उसकी. एक्स का मतलब हाफ ऑफ विड्थ ऑफ दी सेंट्रल मैक्सिमा और ए का मतलब होता है विड्थ ऑफ स्लिट्स. लैंग्वेज पढ़ो सब समझ में आ जाएगा. और D क्या है, कैपिटल D. आपने डायग्राम नहीं पढ़ा इसका मतलब. डिफ्रेक्शन के डायग्राम में देखते तो इसे D है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट. ठीक है. और X हाफ डिस्टेंस है. हाँ X हाफ है. टोटल तो 2x थी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2x थी, उसका हाफ केवल x है. ठीक है. चलो आगे बढ़ो. इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट. नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट फॉर विच rays moving
फॉर विच रेज मूविंग इन द स्ट्रेट पाथ इन द स्ट्रेट पाथ इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट फॉर विच रेज मूविंग इन द स्ट्रेट पाथ आफ्टर डिफ्रेक्शन After diffraction, it is the validity of ray optics. It is the validity of ray optics. मतलब straight path होगा वही ray optics होती है तो path कैसा होगा उसका straight. ठीक है. हाँ लगभग लगभग ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा. इनकम्प्लीट लग रहा है मतलब क्या रिपीट यार बार बार रिपीट मत करो. एक तो इतना रिपीट करोगे तो क्या होगा. लास्ट टाइम इनकम्प्लीट क्यों लग रही है. इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट फॉर विच rays moving in the straight path moving in the straight path after diffraction after diffraction sir ye wali class 3 baje se chal rahi hai nahi ye 3 baje wali to band ho gayi fir dusri start ho gayi. क्या समझ में नहीं आया बेटा. अरे स्ट्रेट जो डिस्टेंस है वो इतनी हो कि उसके लिए पाथ कैसा हो स्ट्रेट. ठीक है. फिर नेक्स्ट लाइन में इसकी वैल्यू निकाल लो. द हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज कितना होगा. अरे जल्दी से लिख लो. अब द हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी आई थी. हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये फॉर्मूला ध्यान रखो. द हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी थी. एक्स इक्वल्स टू जल्दी बोले लैम्डा डी अपॉन ए यही थी ना. लैम्डा डी अपॉन ए ठीक. और फ्रेजनल डिस्टेंस के लिए क्या कंडीशन थी. फॉर फ्रेजनल डिस्टेंस ये लिख रखी मैंने ऊपर. फ्रेजनल डिस्टेंस के लिए एक्स इक्वल्स टू ए तो क्या था. डी इक्वल्स टू जेड एफ यही होगी ना. तो D की जगह पे जेड एफ रख दो. X की जगह मतलब A की जगह X प्लेस्ड कर दो. आंसर लाओ लाओ फटाफट आंसर. A इक्वल्स टू लैम्डा जेड एफ अपॉन A. तो जेड एफ की वैल्यू कितनी आई. जेड एफ की वैल्यू A स्क्वायर अपॉन लैम्डा. A square upon lambda. It is the Fresnel distance. अब पढ़ाया था ना बेटा HP के नाम से कौन है. 3 बजे पढ़ाया तो था लेकिन 3 बजे वाली क्लास बूस्ट में न्यू बेचे वो न्यू मतलब चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था उसमें. और ये जो चल रही है ये वही कंटिन्यू वाली क्लास है. ठीक है. डाउट में ना रहे. 3 बजे वाली जो है उसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है. अब किसी को फर्स्ट चैप्टर पढ़ना हो तो वो उसमें आ सकता है. यहाँ तो वही कंटिन्यू चलेगी जो पहले वाला था. न्यूमेरिकल लिखो. ऑफ डाउट विदाउट न्यूमेरिकल लिखते जाओ और आंसर देते जाओ मेरे को.
न्यूमेरिकल नंबर वन, अस देखो फर्स्ट, अस्लिट ऑफ विड्थ स्लिट ऑफ विड्थ डी, स्मॉल डी, यहां पे डी के नाम से दिया है तो डी, लुमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 7,000 नैनोमीटर, 7,000 नैनोमीटर, कैलकुलेट द पोजिशन डी स्मॉल डी एज कैलकुलेट द पोजिशन डी एज इज फर्स्ट पॉइंट, डेस लगा के नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट मिनिमम एट एंगल, फर्स्ट मिनिमम एट एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बाय 30 डिग्री। सेकेंड पॉइंट लिखो, फर्स्ट मैक्सिमम एट एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ 30 डिग्री। जल्दी से सॉल्व करें, आंसर लाए, पहला मिनिमम था, दूसरा मैक्सिमम है, बस ये डिफरेंस है। आंसर जल्दी से, इट इज द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, मतलब अरे एक कंडीशन थी वो, उस कंडीशन के पीछे मत पड़े रहो, आगे बढ़ो। 14 × 10⁻⁶, बेटा एक पॉइंट का कुछ गड़बड़ हो रही है, 14 नहीं आएगा, 1.4 आएगा। एंड है या एट, कहाँ पे वीवो कहाँ की बात कर रहा है, क्वेश्चन में किस जगह पे? फर्स्ट मिनिमम एट एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ 30 डिग्री, एंड और की क्यों पीछे पड़े हो भाई, डाटा जो है वो लो और क्वेश्चन सोल्व करो। और दूसरा आया 21 × 10⁻⁶, ये भी 21 क्यों आया, 2.1 आएगा भाई, 2.1 × 10⁻⁶ मीटर। एक पॉइंट का गड़बड़ हो रही है, नथिंग, एक पॉइंट कहाँ गया तेरा, एडजस्ट हो गया मतलब। अरे और क्या आंसर आए नहीं आए, जल्दी निकालो आंसर। (1.4 × 10⁻⁵) ऐसा क्यों हो रहा है? सेवन थाउजेंड नैनोमीटर लिखाया था, हाँ सही है सही है सही है, आंसर सही है आपके फिर, हाँ 700 नैनोमीटर की जगह मैंने 7,000 नैनोमीटर लिखवाया हो तो सही है। सही है, वेवलेंथ कितनी लिखाई थी, 700, 7,000, 7,000 लिखा है तो फिर आपके आंसर सही है, 7,000 तो आपके आंसर सही है, आपके आंसर सही है। अरे बताना है या नेक्स्ट लिखाऊं, हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ। एंड रिची,
अभी तो कह रहा था कि सर इंग्लिश की धज्जियां उड़ा रहे हो, आप कह रहे हो न्यूमेरिकल बताओ, मतलब न्यूमेरिकल तो आते नहीं हो, उस इंग्लिश को लेके बैठे हो, फिजिक्स में ज्यादा इंग्लिश का इम्पोर्टेंट रोल नहीं है उसको लेके बैठे हो। अभी तो कमेंट आ रहे थे आपके कि इंग्लिश की धज्जियां उड़ गई, ये उड़ गई, वो उड़ गई, न्यूमेरिकल पे ध्यान दो यार। बताऊं, बता रहा हूं क्या क्या दिया है फटाफट। छोटा सा एक न्यूमेरिकल है जिसमें बात की, उसने लेमड़ा दिया हुआ है कितना, 7000 ऐसे। हाँ आपको लेमड़ा कितना लिखा दिया मैंने, 7000 नैनोमीटर। नैनोमीटर यानी कि 7×10⁻¹ फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट वाले में मिनिमा ही पूछ रहा है, अरे फर्स्ट ही पूछ रहा है ना, फर्स्ट वाले में क्या पूछा है, फर्स्ट मिनिमा पूछा है, फर्स्ट मिनिमा और 30 डिग्री। तो फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा का मतलब ए साइन थीटा इक्वल्स टू फर्स्ट, एन इक्वल्स टू 1 लेमड़ा। तो ए साइन कितना था, 30, 60, 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू, लेमड़ा 7000, n^-9, ए इक्वल्स टू, ए की जगह डी दिया हुआ है तो डी रख दो ताकि डी की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई, 7000×10⁻¹ और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14×10³ गए -6 मीटर। ठीक है, बस आंसर आ गया। दूसरे वाले केस में वैल्यू रख दो उसकी, ए साइन थीटा किसके इक्वल रख दोगे, मैक्सिमा। मैक्सिमा की कंडीशन कितनी थी, 2n+1 λ/2, वो रख दो और आंसर आ जाएगा 2n+1 λ/2। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, छोटे छोटे न्यूमेरिकल लिखते चलो जल्दी जल्दी, चैप्टर खत्म करें यार, बहुत दिन हो गए। अ स्लिट ऑफ विड्थ, वैल्यू ऑफ एन, अबे घन चक्रों क्या लिखा है उसमें, फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट मैक्सिमा लिखा है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 1, जब फर्स्ट फर्स्ट लिखा है तो 1 आएगी ना। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चंस। अ स्लिट ऑफ विड्थ ए लुमिनेटेड बाय बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 ही लिख लो फिर आप, बस वही 600 नैनोमीटर, लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द सेकेंडरी मैक्सिमम प्रोड्यूस, द सेकेंडरी मैक्सिमम प्रोड्यूस एट एंगल 30 डिग्री, एट एंगल 30 डिग्री। सॉल्व करो, कितने पेज की कॉपी बनाऊं और फिर रिपीट प्लीज, पहले तो कॉपी की पूछ ले, लिखने का टाइम कहाँ है तुम्हारे पास। गौतम कुमार कैसे भी रिपीट, ये क्या आंसर है, हार्दिक साहनी, रोंग आंसर आ रहा है बेटा। रोंग आंसर है, 3×10⁶ क्या किया देने, -6। रिपीट करूं, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, रिपीट नहीं, क्वेश्चंस को इसी को रिपीट कर देता हूँ। 3 माइक्रोमीटर थोड़ी आएगा, माइक्रो लिखा ना, सही है, 3 माइक्रोमीटर आंसर है, 3 माइक्रोमीटर। हाँ 3×10⁻¹ या 3 माइक्रोमीटर,
मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ एक बार, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखाऊंगा. असलेट ऑफ विड्थ ए ल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर फॉर वॉट वैल्यू ऑफ ए, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ ए द सेकेंडरी मैक्सिमम प्रोड्यूस एट एंगल 30 डिग्री. आंसर है 3 × 10⁻⁶ मीटर या फिर 3 माइक्रोमीटर, जैसे भी लिखना चाहो. -6 को माइक्रो लिख दो चाहो तो, नैनोमीटर में लिख देते चाहे तो. 3000 करके नैनोमीटर में लिख रहे हो तो लिख दो. नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम, 6500 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स, फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स गोल्स ऑन स्लिट ऑफ, गोल्स ऑन स्लिट ऑफ 0.5 mm, 0.5 mm विड्थ, 0.5 mm विड्थ. वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन, वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क बैंड्स, टू डार्क बैंड्स बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा व्हेन स्क्रीन इज प्लेस्ड, व्हेन स्क्रीन इज फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट क्या था बेटा, अस रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम, ये था फर्स्ट. जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं उसके बाद में. अरे यार, एंगस्ट्रॉम फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स गोल, GOLLS गोल्स, यहाँ की पूछ रहा होगा तो पता है मेरे को. गोल्स ऑन स्लिट ऑफ 0.5 mm विड्थ, ठीक है, 2428. सर ये तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होगा. अब वो जो भी होगा सोल्व करो, आंसर बताने की जगह. 4 2 8 × 10⁵. कुछ पावर में मिस्टेक्स हो रही है. मैं सॉल्व करूं, सॉल्व कर दूंगा.
क्या क्या दिया हुआ है? आंसर तो ऐसे आ रहा है यार, वेवलेंथ दी हुई है 6500 एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ गोल्स ये दिया हुआ है 0.5 mm, वेट क्या दी हुई है स्लेट के वेट, अरे स्मॉल ए है 0.5 mm, डी है वो तो लास्ट में ये दिए, व्हेन स्क्रीन इज प्लेस 1.8 मीटर अवे फ्रॉम स्लेट, वो डी है 1.8, कैपिटल डी है वो, जमुरो कुछ भी लिख देते हो, ए को तो कैपिटल डी लिख दो, कैपिटल आंसर आ गया है 4 point something, जो आंसर आ रहा है 10 की पावर -5 वाला, वो 4 point में माइनस कैसे आ जाएगा? मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, आज नीले नीले अंबर में चांद जब नजर आए वहां से बोल रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा है, नजर आना भी जरूरी है। आपके कमेंट पढ़ने के लिए मैं डेस्कटॉप के वहां चला गया था। क्या क्या दिया हुआ है इसमें? लेमडा दिया हुआ है कितना? 6500 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब -10 मीटर, ठीक है, और उसके बाद दी हुई है स्लेट डिस्टेंस ए 0.5 mm है, क्या है mm, यानी कि 0.5 10 की पावर -3 मीटर, और कैपिटल डी आवा है 1.8 मीटर, यही है वो पूछता है। 2x, अभी अभी फॉर्मूला निकाला था, क्या आया था 2x का फॉर्मूला? 2λd अपॉन डी की मतलब ए, दोनों फॉर्मूले वही है चाहे तो, उधर वाला इधर वाला, बस यहाँ ए लिख देते हैं उसको और कोई दिक्कत नहीं है। सोल्व करोगे तो 2x की वैल्यू 4 point कितनी थी? 6 8 10 की पावर -3 मीटर ये आएगी, ठीक है, 4680 माइक्रोमीटर। अरे यार किसी में भी निकाल लो आंसर, बात कर रहा हूँ, अलग अलग यूनिट निकाल के आंसर बता दो, जिसमें भी आंसर है जल्दी लिखो फटाफट। बस 2 से मल्टीप्लाई करना था मेरे आंसर में, आई डोंट नो। चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि पोलराइजेशन आपके डिलीट पोर्शंस में है तो पोलराइजेशन उसमें नहीं पढ़ेंगे, पोलराइजेशन रिजॉल्विंग पावर ब्रेवेस्टर लो वो सब किसमें? डिलीट पोर्शन में, नेक्स्ट चैप्टर। वो सब भी पढ़ा दो, पढ़ाने में तो पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले अपने सिलेबस तो हो जाए, फिर उसके बाद में जो बच्चे हैं तुम्हारी मर्जी पढ़े जो पढ़ते रहना। डाउट्स बताऊं? बोलो क्या क्या डाउट है जल्दी बोलो, और न्यू चैप्टर डाल दो, नहीं तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। अरे जो डाउट हो बोलो फटाफट, अनम्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं, ऐसे ही बोल दो। अब कल पढ़ाना प्लीज, कल क्यों सर? अगर किसी एक्सिस में क्या निकालने को बोला, वो कमेंट इतने मत करो रे कमेंट यार, किसी के डाउट तो पता लगने दो। वेट तो मतलब वो ऊपर चला गया कमेंट सर, अगर किसी एक्सिस में निकालने को बोले फिर वेट, नहीं, एक में बोलेगा सेंट्रल वाले की बोलेगा, अलग की नहीं बोलेगा, सेंटर वाले की बोलेगा, सेंटर वाली वेरीफाई है यार। टॉपिक डालो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, क्या हो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट?